जिला अररिया नेमवा पिपरा गांव अंतर्गत लीलानंद दास जी का अंत्येष्टि समारोह के उपलक्ष्य में उनकी देहावसान उनके आत्म शांति के लिए साधु संतों के द्वारा सत्संग कार्यक्रम आयोजन किया है। उनके अंत्येष्टि कर्म में पिंडदान आदि कर्म नहीं करके इस सत्संग के द्वारा ही उनका कार्यक्रम संपन्न होने के लिए आयोजन किया गया। तो इस संदर्भ में श्राद्ध कर्म के विषय में बोलने के लिए तो आग्रह हुआ है। तो श्राद्ध कर्म, श्राद्ध शब्द का अर्थ श्रद्धा, श्राद्ध श्रद्धा, हम श्रद्धा अर्पण करते हैं, हम अपने पितर के पूर्वज के प्रति श्रद्धा अर्पण करते हैं। तो हम लोग अपने लिए करना है, हमें माता पिता जन्म दिए, पालन पोषण किए, पढ़ाए लिखाए, जो कुछ भी किए, उनका जो जीवन में जो कुछ भी हमने सेवा किया करते हैं वो तो है ही है, लेकिन इस संसार से जो चले गए उनके बाद भी उनके महोत्सव के लिए हम अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं। कर कुटुंब को बुलाते हैं, साधु संत ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, यही हमारे श्रद्धा। तो किस प्रकार से करना चाहिए अपने अपने समाज में अपने अपने ढंग से करते हैं। तो साधु के लिए अलग किस्म के कर्म है, घर गृहस्थी के लिए अलग किस्म के कर्म है, ब्राह्मण लोग अपने ढंग से करते हैं और सब अपने ढंग से करते हैं। कोई जगह 4 दिन में समाप्त हो गया, 4 दिन में खेल खत्म समाप्त, कोई 7 दिन में, कोई 13 दिन में, पहले मासिक करते थे ना, पहले मास भर नियम में रहना पड़ता था, अब घटा के 13 दिन में, अब उसमें भी कोई 7 दिन में खत्म, उसमें भी कहीं कहीं समाज में हम बम्बई में रहते तो वहाँ चौथा नहीं कहते, चौथा 4 दिन में कर कुटुम आते हैं, उसका शोक संतप्त मनाते हैं, बहुत भक्त करते हैं। तो अपने अपने ढंग से करते हैं, बात यह है हम लोग अपने लिए करते हैं। अब किस गरुड़ पुराण से, गरुड़ पुराण में क्या कहते हैं, हम लोग तो गरुड़ पुराण भी प्रमाण मानते हैं, गरुड़ पुराण के आधार से, गरुड़ पुराण में क्या कहा है, गरुड़ पुराण में 2 खंड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में कर्म कांड के विषय बहुत वर्णन है, उत्तरार्ध में ज्ञान कांड है। तो उत्तरार्ध में कहते हैं कि हम लोग जो मरने के बाद जो इतना परेशान होते हैं, इतना ये करते हैं वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं मरने के बाद, वो आपका बेकार है। मरने के बाद जो कुछ भी करना चाहिए वो जीवन में ही करना चाहिए, तो जीवन में किया हुआ कर्म आपका फलदायी होगा, और अभी जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, वो हमारे लिए है, मैंने उनके सखा संतान के लिए। और जो कोई अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, और यदि श्लोक से बोलते हैं, श्लोक से कहते हैं, एकागो स्वस्थ चित्तसा ही अस्वस्थस्य गोशतम सहस्रम मृमानस्य दत्तम चित विवरितम मृतस्य पुनर्लब्धम विधिहीनं च निष्फलम तीर्थ पात्र समायोगात एकावे पुण्य लक्षदा। कब दान करो, दशांति कब दान करने से फलदायी होता है, कहते एकागो स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त किसको कहते हैं, जिसमें देखावा नहीं, छल कपट नहीं, स्वस्थ चित्त श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से जो दान करते हैं। पहले के जमाने में गौ दान ज्यादा था, इसीलिए गौ का ही वर्णन है, एकागो समझ लीजिए, चाहे कोई भी धन समझ लीजिए, एकागो स्वस्थ चित्त। पहले जमाने में गाय दान करते थे, अभी भी कोई कोई मरने मरते वक्त गौ दान करते हैं। गौ दान करने मतलब मैं मान लीजिए कोई साधु को कोई ब्राह्मण को कोई किसी को दान करते हैं, सब दिन दूध नहीं पिला सकते हैं, नहीं सब दिन तो दूध नहीं पिला सकते ना, किसी को दूध की सेवा करना है तो सब दिन तो दूध नहीं पिला सकते, तो कोई गाय दान कर दे,
पहले के जमाने में गाय दान करते थे, गाय दान कर दिया तो ज्यादा सेवा हो गई। इसीलिए कहते हैं एका गो, एक ही गाय कब स्वस्थ चित्त से, स्वस्थ चित्त से, श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से जब दान करते हैं तो उस गाय के फल के बराबर। कहते हैं अस्वस्थ से गो सदम, अस्वस्थ अस्वस्थ मतलब अश्रद्धा से दिखावा, इतना बड़ा धनिक है उस दान में करते हैं, लोग क्या कहेंगे। आजकल तो लोग प्रतिष्ठे प्राण गमाते हैं, देखा लोग क्या कहेंगे, लोग लाज के कारण दान करते हैं लेकिन दिल में नहीं। लोग लाज से यदि करते तो 100 गाय दान करें तो 100 गाय दान 1 गाय के फल के बराबर नहीं। 100 गाय यदि दान करेंगे और श्रद्धा से तो 1 गाय के फल के बराबर नहीं। और उसके बाद मरने के बाद जो दान करते हैं मरते समय, एक दान कर दो जल्दी जल्दी, इसको प्राण नहीं छूट रहा है, जल्दी जल्दी गोदान कर दो प्राण चले जाए। एक आदमी हमसे कहा जी, एक बुढ़िया थी 3-4 साल से लोथ पड़ गई, और उसके आदमी लेके गए आप ऐसा उपाय कीजिए कोई मंत्र दे दीजिए इसको, कोई कोई सुना दिया तो मंत्र दे दीजिए वो जल्दी चले जाए। ये बात हमको नहीं है, हाँ उपाय बता सकता हूँ, आप इसको मांस मछली बंद कीजिए, कम से कम शरीर तो शुद्ध होगा ना, और हम ये मंत्र को तो उसको प्राण चले जाए, ये मंत्र हमको मालूम नहीं है। हाँ इसकी मतलब हम जो मंत्र फूंक देंगे वो चले जाए तो हम तो हत्या करते हैं। और देखिए आप लोग जो मन में भावना भी आपको भी हत्यारा बनाया जाता है, ध्यान रखें आपको भी हत्यारा बनाया जाता है, जो मरते समय गोदान करो जल्दी जल्दी प्राण छूट जाएगा, प्राण छूटेगा तो वो अपने कर्म भोग से छूटेगा, जब जाना होगा जाएंगे, तो हम कौन होते उनको प्राण छुड़ाने वाले। और कहते जल्दी जल्दी गोदान कर दो प्राण छूट जाएगा, तो कहते सहस्रम मेरे मानस, सहस्रम मेरे मानस दत्तम चित विवर्जितम, सहस्रम मेरे मानस, यदि 1000 गाय दान करेंगे मरते वक्त तो 1 गाय के दान के फल के बराबर नहीं होगा, 1 गाय के फल के बराबर 1000 गाय का फल, 1000 गाय दान करेंगे उस 1 गाय के फल के बराबर। और आगे सुन, मृत से पुनर्लक्षम विधिहीन च निष्फल, यदि मर जाने के बाद 1,00,000 गाय दान कीजिए 1 गाय के फल के बराबर नहीं, जो हाव श्रद्धा भाव से जो दान करते हैं उस फल के बराबर इस 1,00,000 गाय दान, किंतु तुम मर गए दान करने वाला वो चले गए तो आप जो दान करेंगे तो क्या आप पार्सल करके पढ़ाएंगे कि भेजेंगे वहाँ जाएगा, वो अपने कर्म किया हुआ बोलने के साथ जाएगा, ये ध्यान रखें। इसके लिए मैं दृष्टांत कहते हैं, देखिए जीवात्मा कैसे निकलता है, जीवात्मा कैसे निकलता है वेद में बताते हैं, और उसी वेद की बात को पुराण में भी उद्धृत की, तद यथा तृणलाल का तृण से अंतम गत्वा अन्नम तृणम आत्मते हिमेवायम आत्मा इदम सहितम निहत्या अविद्यां गत्वा अन्नम सहितम आत्मते। इस वेद मंत्र के आधार में विचार कीजिए, जिसे घास के जो एक सहारे को पकड़ा रहता है, घास के जो जानते ना ठेंगी जो, ठेंगी ये पानी के जोक होता है, घास के जोक होता है, लकड़ हमारे बाड़ी में ज्यादा है, हम पहले देखे तो वहीं आके देखे हमको भी पहले मालूम नहीं था, इंडिया में थे हमको मालूम था, खाली वेद में पढ़े थे ऐसा होता है, जब वहां से आए यहाँ पसीरावे तो इतना जंगले है उसका तो घास के जोक ऐसा रहता है, ऐसे पकड़ता है, जब उसको पकड़ लेता है तब उसको छोड़ता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर को पकड़े रहता है, और वहां ये जीवात्मा का प्रकाश जैसे वो लाइट का फॉक्स आ रहा है, उस प्रकार हमारे जीवात्मा का लाइट वहां जाता है, और उसमें जो चीज प्रकाशित होता है उसी में वो जाता है, उसी में जाता है। इसके लिए भागवत पुराण में बहुत से दृष्टांत
तथा है। तो भागवत प्राण